देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े अपने तमाम किस्से सुने होंगे, बचपन में उनकी बहादुरी की कहानियां, अपने गुरुओं के आदर के किस्से, गुजरात के सीएम के तौर पर उनका राज तो अब सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन तेज पर आज हम आपको सुनाएंगे कहानी मोदी के पिछले जन्म की। प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे प्रशासक है, ओजस्वी वक्ता है, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन में लगे हुए हैं। इस मिशन की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती रही है ये बातें वो कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये बात उन्हें शायद खुद भी न पता हो कि इन सबकी जड़ में है उनका पिछला जन्म। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान थे। गॉड, दिस इज क्रेजी। जी हाँ, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान थे। वही सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वही सैयद अहमद खान जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों की एकता की अलख जगाने वाले सैयद अहमद खान ही इस जन्म में नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया में आए हैं। कुछ भी तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है और चिंता मुझे हिंदी के मीडिया की है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है।